हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजीएल में मैंने जो जो सोर्स फॉलो करे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी 2-3 दिन पहले सीजीएल की आंसर की आई थी और उसमें मेरे मार्क्स जो है 285 बन रहे हैं, और मैंने रीचेक भी कर लिया था। उस लोग बोल रहे थे जी रीचेक कर लो, तो मैंने रीचेक भी करा, सारे जेन्युइन मार्क्स हैं, ठीक है भाई। लेकिन मैं उस सोर्स को बताने से पहले आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। उसलिए नहीं, आपकी कॉन्ग्रेचुलेसन आई थी उसके लिए थैंक यू है, आई लव यू ऑल। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज़ जो मेरे दिल में थी, मतलब कि मैं इतनी बार फेल हुआ हूँ और आप लोगों ने सपोर्ट कराई है, और कभी भी ये नहीं बोला है कम से कम कि आपने क्या उखाड़ा है या फिर आपने क्या करा है, ठीक है। तो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, सपोर्ट तो आप लोगों ने बनाए रखा है। इन केस में फेल भी होता तो भी मुझे बताया कि मतलब मैं मुंह लटका के बोलता, लेकिन वो एक गिल्टी फील होती, लेकिन आप लोगों ने कभी ऐसा फील होने नहीं दिया है, ठीक है। तो उसके लिए शुक्रिया। तो इसकी वीडियो में मैं पूरा जेन्युइन तरीके से बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है। और सेकंड बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा, 285 मार्क्स मेरे आए हैं, उसमें मेरी भूमिका मतलब बोला जाए तो बहुत कम है ना, बहुत कम, ना के बराबर बोलेंगे। अगर वो ही एग्जाम मेरा 8 मार्च 7 मार्च की जगह 2 मार्च को होता ना, तो मेरे मार्क्स 285 के 240 भी नहीं होते, है ना, मतलब बहुत कम हो जाते हैं। और ये भी हो सकता था मैं कंप्यूटर में फेल भी हो जाऊं। कंप्यूटर मेरे अभी 40 मार्क्स बने हैं, जो आप सोचेंगे बहुत सही मार्क्स है, 40 मार्क्स है ना, तो वो भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो 2 मार्च को अगर पेपर होता तो मेरे 40 क्या 4 मार्क्स भी नहीं होते, है ना। तो उसके लिए मैं अपने फ्रेंड समन सिंह को धन्यवाद देना चाहूंगा, है ना, थैंक्स भाई। 2 मार्च को जब उसका एग्जाम था तो उसने सब कुछ बता दिया था कि ऐसे ऐसे कंप्यूटर में क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आ रहे हैं। 2 मार्च से पहले मैंने कंप्यूटर में क्या पढ़ रखा था ये समझिए, 2 मार्च से पहले मैंने लूसेंट के 200 क्वेश्चंस लगा रखे थे। आरवी वाली जो मैडम थी उनकी क्लास ले रखी थी, और मैंने केवल 3 पेज कर रखे थे उनसे। 3 पेज में उन्होंने 10 क्लास कराई थी, वो पूरी कर ली थी। तो उनसे मैंने मतलब जो मेरा मन में होता था वो लिख लेता था, और जो मेरे मन में आया कि ये तो फालतू का नॉनसेंस चीज है वो नहीं लिखता था, क्योंकि मेरे को पर्सनली ये लग रहा था कि कट कॉपी पेस्ट ये चीज पूछी जाने वाली है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल के थे। तो मैं सबसे पहले कंप्यूटर का ही बता देता हूँ, मैंने 2, 3, 4, 5, 6 इन 4 दिन में बहुत तमीज से पढ़ाई करी है कंप्यूटर के लिए। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा है मैंने, क्योंकि मैं सोच लिया था कि कंप्यूटर फेल हो गए तो बाकी सब में फिर कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर मैंने कहाँ से पढ़ाया है, सबसे पहले तो प्रीति मैम से पढ़ाया, एग्जामपुर वाली, वो बहुत सही मैडम है। आप उनकी प्लेलिस्ट कोई सी भी फॉलो कर लीजिए, उन्होंने इतनी सारी कराई हुई हैं, कोई सी भी फॉलो कर लीजिए। और एक बार तो ये हमारा एक तो क्वेश्चन पैटर्न पता चल गया था कि वायरस पूछे जा रहे हैं, तो मैंने वायरसेस पढ़ लिए थे और एमएस एक्सेल कर लिया था, एमएस वर्ड कर लिया था। तो प्रीति मैम को मैं पूरी तरीके से आपको बोलना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा, आप उनसे पढ़ सकते हैं, और उनको बहुत अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर की, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह की बात करूँ, इस टाइम पे बहुत सारी पीडीएफ चल रही थी, सब टीचर पीडीएफ दे रहे थे, बट मैं सही बताऊँ मैंने आवाज सर की पढ़ी थी, वो भी सही से नहीं पढ़ी थी। आरबी वालों की पीडीएफ देखी थी, 50-60 क्वेश्चन देखे होंगे, वो भी बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था 4 दिन में ये पूरी पीडीएफ करना बेकार है। बेकार मतलब होने से रही, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता, और फिर चीजें दिमाग में नहीं जाती है। जब कोई टीचर पढ़ाता है तो दिमाग में भी जाती हैं चीजें, है ना। वो अगर 1 मिनट 1 घंटे की वीडियो 30 मिनट में भी अगर आप देखेंगे, 45 मिनट में भी देखेंगे, तो आपके दिमाग में 45 मिनट का कम से कम 35 मिनट का जाएगा। और जबकि आप पेज पढ़ते जाएंगे तो बस आप पेज पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अगर आप सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीति मैम को आंख मीच के फॉलो कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उस फिर बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स एंड इंजीनियरिंग में मेरे स्कोर जो बना है वो 165 बना है ना। मैथ्स में 83 मार्क्स बने हैं, 29 अटेम्प्ट करके आया था। 7 मार्च को पेपर था, प्रोबेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन था वो आया नहीं था, और 29 अटेम्प्ट करे थे जिसमें से एक गलत हो गया, और जो गलत हुआ है उसके पीछे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन था वो 11-12 से था। प्रोबेबिलिटी मैंने आवाज सर से कर रखी थी, और गगन सर से भी कर रखी थी, अभिनय सर की भी मैंने 1 घंटे की वीडियो देख रखी थी, तो उनकी शायद 2 घंटे की प्रोबेबिलिटी की वीडियो थी, तो मैंने 1 घंटे तक की देख रखी थी। और लास्ट टाइम पे वहां पे जाके मैंने गगन सर की वीडियो का रिवीजन भी करा था। आप कहेंगे गगन सर की वीडियो कहाँ है, तो वो पेड पेज की वीडियो थी, 1.5 घंटे की वीडियो थी केवल, वही देखी थी, ठीक है। तो उसमें से भी वो क्वेश्चन किसी टीचर ने नहीं कराया था, और वो 11-12 का क्वेश्चन था, तो मेरे से नहीं आया, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करी, नहीं आया। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन जिसमें वॉल्यूम निकलवाया था वो गलत हो गया, ठीक है। अब वो गलत में क्या टीचरों को वो दे हम दोस्त के, उनकी वजह से गलत हो गया, लेकिन गगन सर बोलते रहते हैं 11 का मल्टीपल चेक कर लो, मल्टीपल चेक कर लो, लेकिन वो कंडीशंस भी रखते हैं, वो कंडीशंस मैंने भूल गया और मेरी गलती है। उसमें बोला था कि 11 का मल्टीपल मैंने चेक करा डायरेक्ट, और एक ही ऑप्शन मैच करा था, और वही गलत हो गया। मैंने 11 का मल्टीपल चेक करने में जितना टाइम लगाया ना, मैं अगर सॉल्व करता ना 3 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि 3.14 का केवल 2 में गुणा करना था, और 6280 केवल एक ही आंसर था, वही आंसर था, मैंने 5280 लगाया, गलत हो गया,
तो ये तो सिर्फ बात की चीज है, आपको फॉलो क्या करना है मैथ्स के लिए। देखो मैथ्स के लिए ऑब्वियसली मैंने, देखो वैसे मेरे पास गगन सर का पेड बैच है ठीक है, लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी तो नहीं बोलेंगे, मैंने बहुत कम पढ़ाया है उनसे। और उससे पहले मैं बता दूं कि सीडीएस मेरे 75 मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं बिना किसी पेड बैच के ठीक है। तो एडवांस मैथ जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, मैंने अभी जो काम किया था वो अर्थमेटिक पे किया था। और अर्थमेटिक के लिए मैं सच बताऊं तो मैंने एक किताब फॉलो करी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये भैया ने मेडी जी की बुक है उनकी, तो ये वाली बुक थी है ना, इसमें क्वांटम एप्टीट्यूड के चैप्टर्स हैं तमीज से। मैंने ये तकरीबन पता नहीं कितनी बार लगा रखी होगी, मैंने फिर से ऐसे ही लगाया था, पूरी इंग्लिश में है, तो इसमें 8-9 चैप्टर्स हैं वो ही देखे थे मैंने, और हालांकि क्वेश्चन उस लेवल के थे भी नहीं है ठीक है। मैं आपको क्या रिकमेंड करना चाहूँगा वो समझिए, अब कोई भी एक टीचर को फॉलो करिए, ये मैटर नहीं करता कि कौन से टीचर बेस्ट हैं, बेस्ट ये हैं कि आपने सिलेबस कंप्लीट कराया कि नहीं कराया है ना। कोई ऐसा टीचर जो आपके सारे चैप्टर करा रहा हो वो करना जरूरी है, मिक्स प्रैक्टिस जरूरी है सेकंड नंबर, बस दो ही काम करिए, आपको कुछ नहीं करना है ठीक है। फिर भी आप लोगों को पूरा प्रॉपर चाहिए कि हाँ ये बताओ ये कैसे करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम के लिए आप अभिनय सर शुरू कर लीजिए ठीक है, अगर आप किसी और टीचर से करना चाहते हैं कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अभिनय सर की नंबर सिस्टम आप फॉलो कर लीजिए, टिक्नोमेट्री, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मैंसुरेशन, चार हो गए, ये एडवांस मैथ का बता रहा हूँ। ये आप जो है गगन सर की 18-18 20-20 घंटे वाली वीडियोज हैं, मैं सीडीएस के लिए भी उन्हें ही फॉलो करा था और यहाँ पे भी मैं वही रिकमेंड करूंगा, आप उन वीडियोज को जरूर देख लीजिए। लेकिन उन वीडियो को देखने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो बेसिक आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं, किसी भी टीचर से या किसी भी बुक से। मैं बुक केवल ये बुक है मेरे पास, इसे ही रिकमेंड करता हूँ, और ये भी लेने की आपको जरूरत नहीं है ठीक है। अर्थमेटिक के लिए आपको जो भी बुक मिले वो आप कर लीजिए, उसमें कम से कम 50-50 क्वेश्चंस होने चाहिए बस, ज्यादा नहीं। अर्थमेटिक के 1000-1000 क्वेश्चंस लगाने से कोई फायदा नहीं है, और प्रीवियस ईयर पे ज्यादा भरोसा रखिए वो ज्यादा बढ़िया है। अब अर्थमेटिक बचा, मैं से भी तो मैंने टाइम एंड वर्क करा था आदित्य रंजन सर से, बट मेरे को उनका पढ़ाने का तरीका मेरे को थोड़ा सा समझ में कम आया, और पवन राव सर से भी मैंने फॉलो करा था उनको, टाइम स्पीड डिस्टेंस करी थी, सिंप्लीफिकेशन करा था मैंने उनसे ठीक है, CISI भी उनसे ही करा है पवन राव सर से। तो अर्थमेटिक के ये चैप्टर ऐसा नहीं है पूरे पूरे करे हैं ठीक है, उन्होंने जितने कराए थे वो ऐसा लगता है रेलवे के क्वेश्चन ही करा रहे थे पवन राव सर, तो मेरे को लग रहा था तो उस लेवल तक पहुंच क्यों नहीं रहे हैं ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आए वही हैं जो उन्होंने कराए थे, मतलब रेलवे वाले जो बैच में करा रहे थे। तो आपको कुल मिला के ढूंढा ढकोरी ज्यादा करनी है, कुल मिला के आपको एक एक टॉपिक उठाना है, आपके दिमाग में सारे टॉपिक होने चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अगर, तो फिर यहाँ पे टॉपिक लिख रखे हैं, देखो मैं फ्रंट कैमरे से दिख रहा है आपको, ये अर्थमेटिक के सारे टॉपिक लिख रखे हैं ये, सॉरी ठीक है। तो ये टॉपिक आपको एक एक करके ख़त्म करने हैं सब ठीक है, कहीं से भी ख़त्म करिए। और एडवांस मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया है, स्टैटिस्टिक्स की आप कोई वीडियो देख लीजिए, कोई सी भी, भूते सर हैं अपने, पवन राव सर हैं, रेमो सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, और भी अपने सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, काम हो जाएगा। पेड बैच में भी सेम वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कोई अंतर नहीं होता, केवल आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लेलिस्ट मिल जाती है, अगर वो प्लेलिस्ट अगर आपको यूट्यूब पर मिल रही है तो अपने सर से बेस्ट कोई नहीं है ठीक है। ठीक है भाई, मैथ्स में इतना ही करना है और कुछ नहीं, ज़्यादा बताना सही भी नहीं है। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग वैसे किसको करनी होती है भाई, रीजनिंग में मैंने जो करा है वो केवल उतना है कि रीजनिंग के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हैं क्या, नहीं लगाए, मैंने रीजनिंग के केवल टेस्ट दिए हैं ठीक है, टेस्ट बुक से रीजनिंग के टेस्ट दिए हैं मैंने जितने भी दिए हैं बस, और कुछ नहीं करा। जब 2 मार्च को मेरे को पता चला कि वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कौन से स्टेटमेंट बेस वाले, रीजनिंग में मेरे 30 करके आया था, 28 सही हैं, 2 गलत हैं, और 2 जो गलत हैं वो स्टेटमेंट वाले ही गलत हैं ठीक है। तो मैंने इवन कोचिंग सेंटर से रीजनिंग के टीचर का नाम तो मेरे को नहीं पता है, बट उनकी मैंने स्टेटमेंट वाली वीडियो देखी थी एक ठीक है, उनकी जो अप्रोच थी वही मैं लगा के आ गया, उनमें से मेरे को लगता है 4 कराए होंगे, तो 2 गलत हो गए 2 सही हो गए। अभी जो है आप उन्हीं चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, काम बन जाएगा। और सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा, रीजनिंग में मैंने हवा सर को फॉलो करा था, और जो वैसे होते ना 3-3 नंबर वाले, 31, 55, 43, 5, 12, 13 कौन सा सही है इनमें से चेक करना है, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग के लिए अगर इसमें आपका डाउट है तो। बट रीजनिंग का एक बार को जैसे सबसे पहले आपको एक मॉक लगाना है रीजनिंग का ठीक है, 2 लगाइए 3 लगाइए, आप चेक करिए आपको कौन से टॉपिक में आप कमजोरी महसूस हो रही है आपको ठीक है। अगर आपको ये हो रहा है कभी इसमें गलत हो जाता है, कभी उसमें गलत हो जाता है, कभी इसमें गलत हो जाता है, तो कोई 2-4 टॉपिक तो आपके ऐसे होंगे जिनमें हर बार गलत नहीं हो रहा होगा। जैसे पर्सनली लोगों का स्लॉग में गलत होता है ठीक है, तो स्लॉग मैंने बैंकिंग लेवल का कर रखा था, तो इस हिसाब से मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी ठीक है, मैंने बैंकिंग के एग्जाम जो दिए थे उससे मेरे को फायदा तो मिला है, सीधी बात तो ये।
ठीक है। तो आप रीजनिंग के लिए किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, किसी भी टीचर को, है ना, रीजनिंग बैंकिंग लेवल की आई है तो फिर आप राधे सर से पढ़ सकते हैं, सही टीचर है, अच्छे टीचर। और टॉपिक एक एक, अगर आपको जहां भी कमजोरी आ रही है टॉपिक उठाइए, उसको सर्च करिए, उसको पढ़ लीजिए, खत्म करिए, बात खत्म, ठीक है। रीजनिंग उतना ही करना है और कुछ नहीं, मॉक जरूर लगाइए। सेकेंड, अब मैं बीच में बता देता हूँ मैंने मॉक कितने लगाए थे, मैं आपको टेस्ट ऊपर दिखाऊंगा। मैंने 96 मॉक लगाए थे जो सीजीएल 2023 के थे। फुल मॉक की बात करें तो मैंने वो 4 या 6 लगाए होंगे, मेरे को याद भी नहीं है। 2 प्रीवियस ईयर वाले लगाए थे, 2 मॉक लगाए थे, तो 4 ही मॉक लगाए थे। एक, हाँ एक उसका लगाया था, क्या बोलते हैं, ऑल बोर्ड वालों का, तो 5 मॉक लगाए हैं केवल, ठीक है, फुल बता रहा हूँ। बाकी शॉर्ट शॉर्ट मेरे सेक्शनल मॉक में ज़्यादा भरोसा रखता था मैं, वही लगाया। क्विज पूछेंगे आप लोग, तो क्विज में नहीं देता था, अड्डा वड्डा की नहीं देता था, लेकिन सेक्शनल वाले जितने भी मॉक थे मैंने खत्म कर रखे थे, ठीक है। तो रीजनिंग मैथ में इतना ही है, मेरा जो बेस्ट है वो मैथ में ही है ना। रीजनिंग में भी मैं उतना ज़्यादा नहीं समझता हूँ खुद को। और साथ में इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, 89 ही स्कोर है। तो इंग्लिश के लिए आप किसी और को रिकमेंड कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, और टीचर्स को फॉलो कर लीजिए, पता ही नहीं कैसे। मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या फॉलो करा था। मैंने, मेरे पास जो वोकैब लिखी हुई रखी थी जो मैंने सीडीएस के टाइम पे पढ़ी थी, खान सर वाले बैच से कोई था बैच, उनमें से एनडीए वालों के लिए उन्होंने वोकैब कराई थी, तो वो वोकैब देखी थी मैंने, ठीक है, वही रिविजन करके गया था। बट मैं वोकैब बता ही क्यों रहा हूँ, जब वोकैब का एक भी क्वेश्चन मेरा वहाँ से नहीं फंसा था, ठीक है। और मैंने एमबी बुक ली थी, उसमें से वोकैब जितनी भी थी इससे सेंस, पिछले 3 साल की वोकैब जितनी भी थी वो मैंने रट मारी थी, तभी से कॉपी पे लिख के सही से रटी थी, ठीक है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड नहीं रटे थे केवल, ठीक है, बस इतना ही करा था। तो मैंने एमबी बुक पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है। पैसेज का मैंने लास्ट के लगभग जब 20-25 दिन बचे होंगे, लगभग 7 मार्च 7 फरवरी को पता चला था कि 7 एग्जाम होने वाला है 2 से 7 मार्च तक के लिए, तो तभी से मैंने लगभग 11 फरवरी से, मान लीजिए कि मैं डेली से पैसे लगा लिया करता था एमबी वाली बुक से ही, ठीक है, मेंस लेवल के जो पैसेज होते थे। और भी जो मेरे पास बुक्स हैं, एसपी बच्चे बुक है, लेकिन मैंने ज़्यादा उसको फॉलो नहीं कराया, मैंने फॉलो केवल एमबी को ही कराया लास्ट टाइम तक। सीधी बात है, एमबी क्या बुक है, ये प्रीवियस ईयर सेट्स की बुक है सीजीएल के पास, ठीक है, ठीक है भाई। और इंग्लिश में बस नहीं करा है, और क्लोज बच के, क्लोज के लिए क्या है, प्री जो सीजीएल में प्री में आते थे क्वेश्चन वो करे हैं। रानी मैम को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। निम्स बंसल बैंकिंग लेवल में बहुत ज़्यादा आगे तक, उनको फॉलो कर सकते हैं। तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे टीचर, 3 टीचर मैंने बता दिए, इनमें से 3 में सीजीएल को पढ़ा, तरुण ग्रोवर, निम्स बंसल, रानी मैम। इनकी पुरानी जो प्लेलिस्ट है ना उन पर जाके देखिए, ये नई प्लेलिस्ट तो देते नहीं है, ये कोर्स खरीदने की बात करते हो तो उनको, अगर आपको कोर्स खरीदना है तो खरीद सकते हैं, नहीं तो अगर आप पुरानी पीडीएफ प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्योंकि जब यूट्यूब पे शुरुआत करता है ना बंदा, तो यूट्यूब पे ही कंटेंट देता है, ना कि वो पेड पेज में आ जाता तुरंत ही, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे भी तो बढ़ाने हैं सब्सक्राइबर, तो वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है भाई। और बाकी इंग्लिश के लिए आप किसी और से पता कर लीजिए कैसे कैसे क्या करनी है। ब्लैक बुक आती है वोकेबलरी के लिए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत हैवी हैवी, उतना सारा मेरे को लगता है कि आपको एडिटोरियल भी बोलते हैं लोग बाग। हाँ पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर आप पैसे लगाते जा रहे हैं तो उससे भी आपका फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है भाई। तो इंग्लिश में इतना ही करना है, और क्या बच गया बताओ, जीके जीएस बच गया। तो जीके जीएस के लिए मैं सिंपल केवल इतना कहना चाहूंगा, सीजीएल के लिए जीके जीएस बकवास चीज है। मैंने सीडीएस लेवल का पढ़ा था, लेवल का अभी नहीं पढ़ा था, सीडीएस की जब तैयारी करी थी क्या, मैं सीडीएस का ही स्टूडेंट हूँ, तो फिर उस टाइम पर मैंने जो जीके जीएस पढ़ी थी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इस बार जो पैटर्न आया था, सीजीएल में पूछे जा रहे थे वो उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं था कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वगैरह वगैरह। और वैसे जीएस में मेरा इतना ज़्यादा खास स्कोर भी नहीं है, 31 ही स्कोर है। किसी ने बोला था आपका जीएस में इतना अच्छा स्कोर कैसे आ गया, तो भाई अच्छा स्कोर नहीं बोलते इसे, 31, ठीक है, डिसेंट स्कोर बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे कि क्या कचरा स्कोर है, डिसेंट स्कोर है। लेकिन अगर किसी के 40+ आ रहे हैं तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा 75 में से, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो, मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए खान सर को फॉलो कर सकते हैं, बस। साइंस के लिए 9th 10th की साइंस सीडीएस में पढ़नी पड़ती है, और मैंने 9th 10th की साइंस ही जो सीडीएस में पढ़ रखी थी उसी के नोट्स जो थे उसको ही फॉलो करके गया था, और साइंस के क्वेश्चन आने थे तो आ गए, न्यूटन बल का मात्रक पूछा था तो कर दिया, और कुछ कुछ लेवल का क्वेश्चन पूछा था तो नहीं कर पाते 11th 12th का। बट एसएससी की जो साइंस है ना वो इसमें 11th 12th के भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन लिमिटेड चैप्टर्स हैं ये आप ध्यान रखिए, ठीक
है, जैसे प्लांट किंगडम से क्वेश्चंस पूछा जाता है, एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है। विटामिन्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी मेरा जो है सीएचएसएम का एग्जाम है और मेरे को जाने में देर हो रही है, तो इसलिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर। और बाकी आपके कोई भी डाउट है A to Z तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। और अगर आपका डाउट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा तो नेक्स्ट टाइम वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है भाई। और सब्सक्राइब वब्सक्राइब करने का आपका मन हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू ऑल, लव यू ऑल एंड जय हिंद।